ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। आप अच्छे होंगे और आप हमेशा खुश रहो, भोलेनाथ से मेरी बस यही दुआ है। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, रावण ने कुछ रहस्य बताए हैं, इन रहस्यों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये रहस्य आपके जीवन में आपको बहुत हद तक फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और ग्रहों को समझने के लिए, अपनी कुंडली को समझने के लिए आप कई सारी चीज़ों को स्वतः ही अच्छे से कर सकते हैं। आप चाहे कोई से उपाय कर रहे हो, चाहे आपकी जो भी परेशानी हो, लेकिन अगर इन रहस्यों को आप समझ लेंगे, इन बातों को बहुत गंभीरता से जान लेंगे, तो आपकी कई सारी परेशानियों का हल आपको स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। दोस्तों, वो कौन से रहस्य है जो रावण ने बताए हैं, जो रावण ने अपने कई सारे कथनों में ये बात कही भी है, और ये बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कई सारे जातकों ने इनको फॉलो किया, उन्हें इसका फ़ायदा मिला है। मैं ये बातें बताऊं उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे। और दोस्तों, अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चली रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात, नारी का अपमान ना करें। अगर आप नारी का अपमान करते हैं या नारी का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपके ग्रह कभी सही नहीं हो पाएंगे। चाहे आपके ग्रह कितने भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे आपके ग्रहों में कितने भी प्रबल क्यों ना हो, वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये भी प्रैक्टिकल आप रावण के जीवन से भी देख सकते हैं, और रावण ने ये बात कई बार कथनक तौर पर सामने आती है। इसलिए कभी भी जाने अनजाने में, चाहे आप महिला क्यों ना हो, नारी का अपमान न करें, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को समझें और फिर आगे बढ़े। दूसरी बात है जो रावण ने इस विषय को लेकर कही है कि अपने गुप्त रहस्य, अपनी गुप्त बात, चाहे हम खुश हों, चाहे हम कितने भी अच्छे माहौल में हों, गुप्त रहस्य कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो गुप्त बातें हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो भविष्य में वही चीज़ें हमारे लिए तकलीफदेह विषय हो जाती है, क्योंकि हमारी गुप्त बातें, वो हमारे लिए कुछ अलग व्यू होता है और सामने वाले के लिए कुछ अलग होता है। इसलिए कभी भी जो भी गोपनीय बातें हैं, उन्हें अपने तक ही सीमित रहने दें, बाहर आने न दें, आप चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो। तीसरी और मुख्य बात है कि आप चीज़ों को सुने, क्योंकि सुनने से ही आपके शुक्र आपको बहुत हद तक पॉजिटिव और गुरु, दोनों ग्रह आपको बहुत हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते, सिर्फ एक गहराई से सुनने के लिए। अगर आप गहराई से सुनेंगे चीज़ों को, आपको कई सारी चीज़ें जो हैं जीवन में बदलाव दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर का जप, ओम नमः शिवाय का जप करें, उसमें बहुत बहुत शक्ति है दोस्तों। इसलिए ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ओम नमः शिवाय।